सबको प्रणाम। सब माताएं बहने जो यहाँ आज उपस्थित है, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ कि इस उम्र के अंदर आप लोग यहाँ बैठी, इतने सारे वो कागज जा रहे हैं, मैं दिख रहा है कितनी गर्मी हो रही है वहाँ, आप सबको देख के और फिर भी आप लोगों ने यहाँ आके हमारा इतना प्यार से स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इस तरह बैठे हुए मेरे सब बुजुर्गण और मेरे भाई, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत आज धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पूरा शहर, पूरे मंडावर इलाके के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके इतना जोरदार स्वागत किया है कि मैं समझती हूँ कि इसको देख के आप लोगों की इस ऊर्जा को लेके ही आगे निकलना है। और इसीलिए मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आपने यह प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ हम सब यहाँ जो मंच पर बैठे हुए उनके लिए नहीं है, परंतु ये है एक सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने 4.5 साल तक आज आप लोगों की आवाज तक नहीं सुनी है, आज उस सरकार के खिलाफ इतने सारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये कहने को इकट्ठा हुए इस सरकार को कि जिस सरकार ने 4.5 साल तक हमारा कोई काम नहीं किया है, उसको राज करने का कोई हक नहीं है, उस सरकार को तुरंत ही आज मैं क्योंकि आप अखबार के अंदर मैं देखती हूँ कि हर एक आदमी को अपने उपलब्धि को लिखवाना, मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है, ये जरूरी है कि अगर मैंने कोई उपलब्धि की है तो वो उपलब्धि अखबार में जानी चाहिए, परंतु अगर मेरी उपलब्धि नहीं है और सिर्फ घोषणा है, और अगर उस घोषणा को उपलब्धि के रूप में किसी ने लाने की कोशिश की तो वो सरासर झूठ है। और उसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच में पूछने आई हूँ कि ये मेरे को बताओ कि झुंझुनू के अंदर ये पोस्ट कार्ड ऐसे इस तरीके से अखबार में आते हैं, कि झुंझुनू के अंदर ये बताया गया मुझे कि एक जोरदार खेल महाविद्यालय शुरू कर दिया गया है, क्या आप लोगों ने कहीं इस चीज को देखा है? कहीं आपको मालूम है कि इसकी जमीन किसी को मिली? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इसको उपलब्धि मान के लिखने का क्या मतलब है, जब हम सबको मालूम है कि ये घोषणा ही घोषणा है, उपलब्धि अभी तक हुई नहीं है, जब तक वो उपलब्धि नहीं है तब तक इस तरीके से उपलब्धि मान को उसको लिखने का काम ये सरासर झूठ है, और लोगों को झूठ और फरेब के जाल में फंसाने का काम है। आज मैं लाई हूँ कुछ, मैं कहती हूँ कि झूठे विज्ञापन की नींव पर तो ये सरकार टिकी हुई है, इनके विज्ञापन तो झूठ ही झूठ है, इनके भाषण भी झूठ है, इनके वादों भी झूठे हैं, और इनके इरादे भी झूठे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो है वो सबसे पहले रियायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण राज प्रोडक्ट्स माने फोर्टिफाइड आटा, नमक, साबुन, चाय, ये उचित मूल्य की दुकान पे आप लोगों को मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्या? और अगर मिल रहा है तो किस किस्म का मिल रहा है ये बताइए। लोग अगर किसी ने उसमें खरीदा भी है तो बीमार हो जाता है, और अगर आप दाम पूछो तो आपके जो फेयर प्राइस शॉप के अंदर तो दाम ज्यादा और बाजार में दाम कम, तो क्या मतलब है इस चीज का? हम तो जाके अपने बाजार के अंदर इस चीज को खरीद सकते हैं, ये कौन सी उपलब्धि बन जाती है, ये मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ। कौन सी उपलब्धि है कि हम लोग आपको आटा फोर्टिफाइड, जिससे आप लोग बीमार हो जाओ, आटा फोर्टिफाइड हो या आप लोगों का साबुन या चाय, ये अगर आप उसमें चले जाओ, राशन की दुकान में चले जाओ तो महंगा, और अगर बाजार के अंदर चले जाओ तो कम दाम का। हमें ऐसी सरकार से कोई मतलब नहीं है जो जिस तरीके से झूठ लिखती है और वाकई में उस तरीके से काम करती नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने मिलावटी दूध के बारे में भी पढ़ा होगा, पढ़ा सब लोगों ने अखबार के अंदर पढ़ा, आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्होंने इसी तरीके से ये कह दिया कि हमने आप लोगों को दूध, मिलावटी दूध, उसके दाम किस तरीके से दाम हम आप लोगों को देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिलावटी दूध के तो कम दाम होने ही है, परंतु किसानों को सही तरीके से अच्छा दाम देने का काम ये सरकार का है। और मैं कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ जो लोग दूध उत्पन्न करते हैं और उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन देने के बजाय उन लोगों को अच्छे दाम देने का काम करें, तो मैं मानूंगी कि हाँ, इस सरकार ने आगे चल के कुछ काम किया है। आपके यहाँ
बिजली, पानी और सड़क क्या ये अच्छी तरह से मिल रहा है? मैं ये पता करना चाहती हूँ कि आलसी सर पंचायत के अंदर मंडावर के अंदर फ्लोराइड का पानी आप लोगों को मिल रहा है क्या? इस तरीके से जो पानी मिलना चाहिए था, मैं देख रही हूँ कि सही तरीके से सड़कों के ऊपर आपको अपने शहरों के अंदर मिल नहीं रहा। जगह जगह के ऊपर फ्लोराइड या खारा पानी, माताएं बहने, आप लोगों को सही तरीके का पानी मिलता नहीं है। आज 52 साल के बाद अगर हमको घर बैठे पानी नहीं मिलता, अगर हमको घर बैठे हमको बिजली नहीं मिलती, अगर हमारी सड़क नहीं है, अगर हमारे डॉक्टर नहीं है, हमारे टीचर नहीं है, तो इस सरकार ने 53 साल के लिए हमारे लिए क्या करके दिया है? जबकि राज एक छत्र कांग्रेस का रहा है, हमने किसी और को राज नहीं दिया। उधर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने 15 साल के अंदर गुजरात की कायाकल्प कर दी कि नहीं करी? दुनिया के मानचित्र पे ला के रख दिया है हमारे इस गुजरात को। और उस तरफ आपके शिवराज जी चौहान ने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को बदल के छोड़ दिया है। और राजस्थान में जहाँ हम लोगों को 53 साल उनको दिए, उस 53 साल के अंदर राजस्थान को गड्ढे के अंदर डाल के बीमारू प्रदेश बना के छोड़ दिया है। ये किया है कांग्रेस ने। क्या हम लोग ऐसी सरकार को, जिसने हम लोगों को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है, ऐसी सरकार को आगे चल के उस कुर्सी पे बिठाएंगे? जिस सरकार ने हमारी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा, जिनने हमारी बच्चियों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारी आज भी बच्चियों के साथ और माताओं बहनों के साथ इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक देंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पंचायत राज के बेचारे प्रतिनिधि, हमारे यहाँ कई किसान बैठे होंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसान भाई, आप लोगों को कहीं मुआवजा मिला जब पाला पड़ा, ओलावृष्टि हुई, आप लोगों को ये बताया गया कि आपको जोरदार एक पैकेज मिलेगा जिसमें बिजली के दाम कम होंगे और जिसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा? किसी को मिला? किसान भाइयों, किसी को मिला? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पंचायतों को अधिकार दिए जाए। इसके लिए हमारे बेचारे सब सरपंच इकट्ठा हुए और सरपंच एक साथ इकट्ठा होकर जयपुर चले और उन्होंने ये कहा कि हम जयपुर जाएंगे तो जयपुर के अंदर हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम मुख्यमंत्री को कहेंगे कि हमको जो काम देना चाहिए वो काम देने के लिए पैसा का इंतजाम करिए और हमको जो जो आप लोगों को डिपार्टमेंट देने चाहिए थे वो डिपार्टमेंट हमको दे दीजिए ताकि क्षेत्र के अंदर हम काम कर सके। तो उन्होंने तो टाइम ही मांगा था मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, पर मिले डंडे, मिला जेल, उठा के वही बंद कर दिया गया, उनको पानी से भुना दिया गया और उसके बाद डंडे पड़े और डंडे पड़ने के बाद वहीं के वहीं बेचारे कई दिन तक बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, चुपचाप से उल्टे पैर अपने घर वापस लौट आए। मैं कहती हूँ कि उनके डिमांड्स थे, उनके कुछ कुछ ऐसे डिमांड थे जो होने चाहिए। और अगर जयपुर स्थित चौपाल में पंचायत राज प्रतिनिधि की ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए तो उसमें क्या बुरी बात है? मैं समझती हूँ कि उनको होने देना चाहिए, उनका मौका और उनकी बात को सुनने का काम सरकार को करना चाहिए। इसी तरीके से क्षेत्र के दौरे करने के लिए अगर जिला परिषद के लोगों को और उनके सदस्यों को पंचायत के अंदर समिति, अगर उनको गाड़ी की जरूरत है तो दे देना चाहिए ताकि वो क्षेत्र के अंदर जाए, लोगों के बीच में जाए, उनकी बात को सुने। अपने समय में हर पंचायत को हम लोग 1-1 करोड़ रुपया देते हैं। आज मैंने पूछा तो कहा कि 10,000 रुपए से ज्यादा हमको मिलता नहीं है। इसी वजह से हम लोगों को कोई काम करने का, कोई भी काम करने का वो नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए पंचायत वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मैं आपसे सबसे पूछना चाहती हूँ, माताएं बहने, आप लोगों को सही तरीके से बिजली मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? यहाँ किसानों को बिजली मिल रही है क्या? मुझे ये बताया गया था कि 3-5 घंटे बिजली अब मिल रही है, जहाँ 8 घंटे बिजली चाहिए थी। मैं बताया गया मुझे कि जो मैंने 24 घंटे बिजली आपके लिए लाइन निकाल के दी थी वो 24 घंटे नहीं, कहीं 8 घंटे मिल रही है, कहीं 7 घंटे मिल रही है। परंतु आपको माता बहने में कहना चाहती हूँ, सरकार अपनी आएगी, 24 घंटे बिजली आपको मिलेगी या हम छोड़ के रहेंगे आपको। पानी की जोरदार समस्या है, इस पानी की जोरदार समस्या को मैं मूलभूत समस्या मानती हूँ कि 53 साल के बाद आज भी हम लोगों को भटक भटक के पानी ढूंढना पड़ रहा है। ये कौन सी बात, ये कौन सा न्याय है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पानी को, स्वच्छ पानी को, पर्याप्त पानी को लोगों को पहुंचाने का काम ही सरकार की जिम्मेदारी है। और आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार होगी,
हमारी सरकार इस चीज को आप तक पहुंचाने का पहले भी काम किया था, आज भी काम करने की तैयारी में है, आने वाले समय के अंदर ये भी काम हम लोग करते थे। मंडावा के अंदर आपका सामुदायिक अस्पताल है, उसमें विशेषज्ञ शिशु रोग के और महिला चिकित्सक है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, मैंने अब 5 संभाग कर लिए हैं, मुझे कहीं भी महिला विशेषज्ञ मिलती नहीं। ये महिलाओं की क्या स्थिति होगी जब प्रसव के समय मुसीबत हो जाती है तो कहां जाएंगे? या तो ब्लड टेस्ट भी, खून का जांच भी नहीं कोई करने को तैयार है। और मैंने ये देखा कि मलसी सर बिसाऊ इनके अस्पताल सरकारी है, परंतु इन अस्पताल के अंदर भी कोई भी जांच की मशीनें नहीं है, कोई भी उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर मुश्किल से बैठता है। और ये आज हमें ये कहते हैं कि आप लोगों को मुफ्त दवा और मुफ्त जांच कराने का हम काम कर रहे हैं। मिल रहा है क्या आपको मुफ्त जांच? क्या मिल रही है आपको मुफ्त दवा? नहीं मिल रही है। मुझे याद है कि मंडावर में जब भी बरसात होती थी तो यहाँ बाढ़ हो जाती। अब मालूम नहीं अब आजकल क्या है, परंतु मैंने 35 लाख रुपया दिया था जब यहाँ से कई लोग मुख्यमंत्री जब मैं थी मेरे पास आए, 35 लाख रुपए देके उस पूरे मोहल्ले का ड्रेनेज का सिस्टम बना के आज वो स्थिति बना दी है कि उस मोहल्ले में तो मैं समझती हूँ कि पानी नहीं आता है। मुसलमान भाई आए थे मेरे पास कहने को, उस समय मैंने पैसे दिए थे, वो आज भी काम कर रहा है कि फिर भी बाढ़ हो रहा है। क्षेत्र के अंदर बाढ़ है, बताते मेरे को जब पानी आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और सड़क की हालत माताएं बहने ऐसी बदतर हालत है, मुकुंदगढ़ बिसाऊ झुंझुनू फतेहपुर सब दूर सड़क टूटी पड़ी हुई है, कहीं भी काम नहीं हुआ है और आधा अधूरा काम इसी तरीके से अगर कहीं किया भी है तो छोड़ दिया गया है। लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर आपको अभी कुछ दिखाई दे रहा है तो ये मान के चलिए कि बरसात अच्छी तरह से आ जाएगी तो जो है वो सब उड़ जाएगा और सड़कों की वही हालत होगी जो आप लोगों ने पहले देखी थी, बिल्कुल गड्ढे भरे हुए सड़कें। ये सड़कों से हम लोगों को बच के चलना है, ये भी काम सरकार का है। परंतु मैं ये देख रही हूँ कि 4-4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया, किसी भी वर्ग को कुछ नहीं किया, न हमारे बच्चों को नौकरी का इंतजाम किया। आज हमारे समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरियां मिला करती थी, आज किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली है। और आपको दिखाई देता है वो ट्रेन के बैठ बैठ के 7-7 लाख आदमी जब एक पटवारी की परीक्षा के लिए जा रहे हैं या जब LDC के लिए उस सचिवालय के सामने लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं 3.5 लाख लोग, तो आपको समझ में आ सकती है कि पिछले 4.5 साल के अंदर किन किन बच्चों को उन्हें नौकरी दी। सब बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि RPSC की फिर से व्यवस्था अपन करेंगे और ये टेट का ये परीक्षा का प्रबंधन जो है वो बदल करते हुए हम लोग RPSC की परीक्षा देके हमारी युवाओं को फिर से अपन अपने पैर पे खड़ा करने का काम करेंगे। आपको बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को अपने प्रदेश के अंदर ही नौकरी मिलने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी और हम लोग आगे चल के इसको करेंगे। माताएं बहने मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे बिजली और पानी के साथ साथ आपके बच्चों को ये नौकरी मिलेगी तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान के अंदर एक अलग किस्म की खुशहाली आएगी। इतने सालों से कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे किसान भाइयों को मैं पूछना चाहती हूँ, ना उनको बिजली मिल रही है ना उनको पानी मिल रहा है। और आजकल अगर झुंझुनू के अंदर वो जाते हैं कि हमको खाद मिले हमको बीज मिले, कितने तो चक्कर काट रहे हैं, परंतु इतने सारे चक्कर काटने के बाद सही बीज या टाइम पे बीज, सही खाद या टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है और वो वापस खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। जब अगर फसल हो भी जाती है और उस फसल को काट के वो बाजार में ले जाते हैं तो उसके पैसे भी सही तरीके से नहीं मिलते। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाइयों आप लोगों से कि सहकारिता से आप लोगों को 1,50,000 का लोन मिलना था, उस लोन के अंदर आपको बिना ब्याज का मिलना था, मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? वो पीछे आप लोगों को मिल रहा है क्या? किसी को नहीं मिला। मैं पूछ रही हूँ यहाँ ये बताया मेरे को कि जो मकान है उस मकान के लिए 55,000 रुपए BPL परिवारों को दे दिया जा रहा है कोई जिसको मिला? और नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको पहला किश्त मिलता है, पहले किश्त के बाद रिश्वत, और रिश्वत नहीं मिलती है तो काम नहीं होता है। इसी तरीके से अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वहाँ हमारे टाइम में 72 घंटे में मिलता था, पर अब बिना रिश्वत के नहीं मिलता है। मिलता है क्या? बिना मिलता नहीं है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सरकार पूरी तरह से हर हालत में फेल हो गई है और आने वाले समय के अंदर हम लोगों को अगर अपने राजस्थान को आगे ले जाना है, अगर हम लोग सबको मिलके नया राजस्थान बनाना है
तो हम लोगों को सब 36 के 36 कौम और सब मजहब को साथ मिलकर ये तय करना है कि हमको वो राजस्थान बनाना है जो हमारे सपनों का है। हमें वो राजस्थान बनाना है जिसमें हमारे बच्चे पैर पे खड़े हो जाए, वो राजस्थान जिसमें हमारी महिला सुरक्षित, वो राजस्थान जहाँ फैक्ट्री लगे, वो राजस्थान जहाँ पैसा आए, वो राजस्थान जहाँ हमारा किसान मजबूत हो। अगर आपका ये सपना है तो दोनों हाथ ऊपर करके हमें बताओ कि हाँ, हम लोगों को मिलके नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है, सौगातों का राजस्थान नहीं। अब ये 4.5 महीने बच गए तो सौगात ही सौगात मिल रही है। कोई कहता है कि आप चावल, चावल के पैसे, कोई कहता है साइकिल तो साइकिल के पैसे, कोई कहता है लुगड़ी तो कहते हैं लुगड़ी के पैसे, और कहते हैं कि हाँ उसके साथ साथ पजामे कुर्ते भी ले जाओ अपने बच्चों के लिए, और बहुत ज्यादा चिंता है तो एक प्लेट और दो कटोरी भी ले जाओ, ये भी करने को तैयार है, लैपटॉप नहीं तो पैसे ले जाओ और ऊपर से तुमको पेंशन भी मिल जाएगी। अरे इतना तो सौगात हो रही है, ये अगर पहले 4.5 में कर दिया होता तो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर खुशहाली हो जाती। हमारे तो कई कई अफसर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की सौगातें हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के बाद पैसा ही ना हो, तनख्वाह के पैसे ही ना हो, ऐसी स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर हो। वो राजस्थान जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए मैं छोड़ के गई थी, 1700 करोड़ रुपए अलग से बैंक अकाउंट में छोड़ के गई थी, आज उसको बैंक अप करने का काम इस सरकार ने किया है। इसीलिए मैं आप लोग सबसे कह रही हूँ, एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, और हम लोग मिलके इस राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाए कि लोग आए इस राजस्थान को देखने के लिए। आज गुजरात देखने आते हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु देखने को आते हैं, आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान को भी देखने आएंगे। इसलिए हम मिलके एक नया राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हम लोग सब खुश, समृद्ध और अपने पैर पे खड़े होने का काम करेंगे। तो जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, हम लोग सब मिलकर चले एक ऐसा तगड़ा राजस्थान बनाए, जय राजस्थान। हाथों में